धार्मिक आस्था के प्रतीक बाबा गिरधारी दास मंदिर बांसुर पर चल रहे चार दीवारी के निर्माण कार्य पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा ने बांसुर उपखंड अधिकारी महोदय से जवाब मांगा कि निर्माण कार्य में किन किन दानदाताओं ने दान किया और कितना दान किया है, और दूसरा पूरी बाउंड्री का बजट क्या हुआ, और तीसरा चूंकि ये प्रजातंत्र है और आप नौकरशाह हो तो अतः आपने किन किन जनप्रतिनिधियों व राजनेताओं की सलाह पर चार दीवारी बनाने का फैसला किया, उनका भी नाम उजागर करें। जाता है प्राचीन स्थान है, करीब 125 साल पूर्व गिरधारदास बाबा यहाँ विराजते थे और पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे। आज उनके स्थान के सामने जो 100 साल से भी ज्यादा एक अखाड़ा और एक मेले का आयोजन होता रहा है, और आज उस अखाड़ा और मेला को SDM जिसका कोई जनहित में ना तो कोई सोच है, ना किसी ग्राम पंचायत से बात की है, ना यहाँ के जो सामान्य लोग हैं, यहाँ की जिला कमेटी के जो सदस्य हैं, इस मेला कमेटी के, उनसे राय मशवरा बिना किए जबरदस्ती 4 बीघा जमीन को एक्वायर करके और डंडा खींचना चाहता है। अब ये ना तो कोई सरकारी स्कीम है, ना सरकार ने इसके लिए फंड दिए। यहाँ पर SDO अपना पद का दुरुपयोग करते हुए व्यापारियों पर डरा धमका करके पैसे ऐंठ रहा है, उस पैसे का से डंडा बनवाना चाहता है। कितना इसमें लगेगा, कितना किस में लगेगा, इसके लिए कोई समिति नहीं बनाई ना, तो इसमें भ्रष्टाचार साफ नजर आ रहा है। गांव वाले का भयंकर इतराज है, और मैंने प्रमुख शिक्षाविद पवन जी से भी बात करी जो अभी विराजमान भी है, इन्होंने भी कहा इलीगल है। उच्च अधिकारियों से मैंने बात की, हम इसका जम के विरोध करेंगे, और किसी भी सूरत में हम गिरधारदास बाबा का जो ये अखाड़ा है, ये ग्रामीणों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इस पर सरकारी एंक्रोचमेंट नहीं होने देंगे और इसका मुकाबला करेंगे। 100% नहीं बढ़ेगा, मेरा वादा रहा।